दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा और आखिरी T20 मैच हार गई। वहीं इस मैच में साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी के दौरान 15वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिससे दीपक चहर ने इंडिया और साउथ अफ्रीका में सभी का दिल जीत लिया। दरअसल साउथ अफ्रीकी पारी के 16वें ओवर में कप्तान रोहित ने बॉल दीपक चहर को थमाई और अब तक साउथ अफ्रीका ने 15 ओवर में 154 रन ठोक दिए थे, यानी टीम इंडिया को विकेट्स की खासी जरूरत थी। दीपक चहर ने अपने पहले 2 ओवर में सिर्फ 4.5 की इकोनॉमी से 9 रन दिए थे। ये इंडियन बॉलर्स में सबसे अच्छी इकोनॉमी थी। दीपक दौड़ कर आए और बॉलिंग क्रीज पर रुक गए और स्टम्प्स रनर थे और बॉलिंग क्रीज छोड़कर बहुत ही आगे बढ़ गए थे। दीपक चहर ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुस्कुराते हुए एक चेतावनी दी और बॉलिंग करने लौट गए। इस ओवर में स्टम्प्स और रूसो ने मिलकर 15 रन निकाले। दीपक ने जब ये किया तो इंदौर का पूरा मैदान गरज उठा। फैंस ने ताली बजाकर दीपक की तारीफ भी की। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा दीपक से खुश नहीं थे और अश्विन भी हैरान थे। रोहित काफी निराश दिखे थे, शायद वो चाहते थे कि दीपक उन्हें आउट कर दें क्योंकि उस वक्त भारत को विकेट की सख्त जरूरत थी। वहीं कमेंटेटर्स का भी यही कहना था कि दीपक को उन्हें आउट कर देना चाहिए था, उन्होंने विकेट का एक मौका गवा दिया। वैसे भी ये रूल्स के अंदर ही आता है तो उन्हें मैनकेडिंग करनी चाहिए थी। वहीं दोस्तों मैनकेडिंग के लिए हमेशा से चर्चा में रहे रविचंद्रन अश्विन भी दीपक चहर के इस दरियादिली से हैरान थे। जरा देखिए अश्विन का रिएक्शन, वो भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि दीपक ने यहाँ रन आउट क्यों नहीं किया। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, क्या दीपक चहर का मैनकेडिंग नहीं करना का डिसीजन सही था या गलत, कमेंट करके जरूर बताइएगा।